जय हिंद दोस्त। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के जो बल सदस्य हैं, चाहे इंडियन आर्मी के लिए जो तैयारी करते हैं, उनके आने वाले भविष्य में बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। इससे पहले आप लोग अभी से अपनी मांग करें ताकि किसी भी जो इंडियन आर्मी की भर्ती देखता है उसको किसी अन्य भर्ती में जाने में कठिनाई ना हो। नहीं तो ये सच्चाई है कि आपको किसी अन्य भर्ती में नौकरी नहीं मिलने वाली, जैसा कि आज रूल बन चुका है आपके देश के अंदर। तो क्या प्रक्रियाएं हैं, कौन सा ऐसा रूल बना है जिससे कि अन्य लोग भर्ती नहीं हो पाते हैं, उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। जो इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट होकर आएंगे और वो सोचेगी कि नहीं अब मैं भर्ती हो जाऊं तो उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या जो इंडियन आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया लड़का और उसके बाद वो सोचता है कि चाहे मैं यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस किसी में भर्ती हो जाऊं या अर्धसैनिक बल में भर्ती हो जाऊं तो उसको क्या परेशानी आने वाली है, इसके बारे में ए टू जेड हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इंडियन आर्मी की जो भर्ती होती है वहां 1600 मीटर की फिजिकल मांगी जाती है, जो कि 5:30 के अंदर आपको आना होता है। और 5:30 के अंदर जो फिजिकल आता है उसका अगर आपका ये लिखित पेपर बहुत मजबूत होगा तो कतई नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं। एक मैं प्लेयर हूं और फिजिकल ट्रेनर हूं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो सुबह से लेकर शाम तक तो मेहनत करता है तो फिर उसको लिखित पेपर कहां से मजबूत हो पाएगा। उसका ये है कि अगर 50-50 का आंकड़ा हर जगह रखा जाए तो 50% फिजिकल का और 50% लिखित का, तो गांव का चाहे जो इंडियन आर्मी की भर्ती देखता है वो भी यहां तक पहुंच सकता है। वरना इसको एक अलग वर्ग में बांटा जा रहा है, एक छोटे वर्गों में, जैसे जाति का अभी तक था वैसे ही अब भर्तियों का भी वर्गों में बांट दिया गया है। नेताओं के चक्कर में इन नेताओं ने इतना गंदा खेल खेल रहे हैं, इस देश की राजनीति इन लोगों के हाथ में सौंप दी गई है उसके कारण। आपको बता दें दोस्त, अन्य भर्तियों में क्या हुआ है, केवल लिखित आपको मान्य रखा गया है और फिजिकल का कोई मान्यता नहीं है। आप फिजिकल नॉर्मल पासिंग मार्क मांगा जाता है कि ठीक है भैया आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे और आपको 25 मिनट टाइम दिया जाता है। यूपी पुलिस 28 मिनट 30 मिनट टाइम देती है कि भाई आपको इतने में पास होना है, वो लिखित पेपर में जाके अच्छा नंबर ला देता है और पास हो जाता है, भर्ती हो जाता है। लेकिन यही कहीं फिजिकल का नंबर होता 50% जो होता फिजिकल को दिया जाता है और 50% लिखित को, तो इसमें आपका एक बेस्ट लड़का, बेस्ट क्वालिफाइड लड़का आया था जो कि इंडियन आर्मी में चाहे यूपी पुलिस में जो एक बल सदस्य का कार्य होता है वो करेगा और उसके अंदर डर कहीं भी नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स और फिजिकल आपको एकता सिखाता है, बेईमानी से दूर रहना सिखाता है। लेकिन जो लिखित पेपर से आता है जो कैंडिडेट, उसके अंदर बेईमानी कूट कूट के भरी रहती है। बेईमानी भरने के कारण क्योंकि वो अकेले में पड़ता है और केवल उसके जीवन में बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं, इसलिए वो बुराइयों को ही अपने जीवन में एब्जॉर्ब करता है, समाज में निकलता नहीं है, समाज से मिलता नहीं है। इसलिए मेरा यही मानना है कि इंडियन आर्मी के लड़कों को भी मौका दिया जाए ताकि फिजिकल जो है आप 50 का और लिखित 50 का करेंगे तभी इंडियन आर्मी के जो तैयारी करने वाले लड़के हैं वो पुलिस विभाग या अर्धसैनिक बल में भर्ती हो पाएंगे, वरना उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये आप उनको एक ग्रुप में अलग बांट रहे हैं, तो कृपया सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए कि अच्छा से अच्छा सभी लोग सपोर्ट करें कि ये जो नियम इन लोगों ने नया लगाया है कि लिखित पेपर से ही केवल भर्ती होगा, इसको हटाया जा सके और फिजिकल में भी 50% के जो फिजिकल होगा उसके नंबर अलग और 50 के जो लिखित पेपर है उसके अलग, दोनों के नंबर काउंट करके जो सक्सेस होता है उसी को नौकरी दिया जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आप 5 ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद।